मैं शेयर करूंगी जेल आईलाइनर का प्रोडक्ट रिव्यू, साथ में उसे कैसे यूज करना है। आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड चला हुआ है स्मोकी जेल आईलाइनर, जो बहुत सारी लड़कियां हैं जो अपनी नशीले आंखों का जादू चला रही है और सब लोग दीवानी भी हो रही है, तो क्यों ना मुझे भी लगता है आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो आप अपनी आंखों का कैसे जादू चला सकती हैं, सब लोगों पे कैसे आप सबका अट्रैक्शन आप अपने ऊपर ला सकती हैं, वो चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उससे पहले मैं प्रोडक्ट के बारे में शेयर कर देती हूँ। नशीली आंखें तब अच्छी लगती हैं जब आपकी आईलाइनर जो होती है अच्छी सी प्रीसाइज अच्छी से वो लगे हो और लॉन्ग लास्टिंग हो, क्योंकि जेल आईलाइनर आपने लगाया कुछ देर बाद पूरा ये मेश हो गया तो बहुत ही ज्यादा भयानक लगता है। आपसे किसी नशीले आंखों का जादू तो नहीं चला पाएंगे, हाँ लोग आपसे देखे जरूर भाग जाएंगे, तो ऐसा ना हो। तो देखते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। ये म्यूजिक फ्लावर का है जेल आईलाइनर और ये प्रोडक्ट दावा करता है 24 आवर्स ये स्टे करता है, और ये वाटर प्रूफ भी है, स्मर्ज प्रूफ भी है। मैं आपको अभी लाइव टेस्ट करके भी दिखाऊंगी कि ये प्रोडक्ट वाटर प्रूफ है या स्मर्ज प्रूफ है भी या नहीं, तो ये तो हम टेस्ट करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा प्रोडक्ट का पूरा सा खोल के देख लेते हैं क्या। तो इसे खोलते हैं तो आपको इसमें 2 जेल आईलाइनर मिलता है और इसके साथ 2 ब्रश मिलते हैं, एक एंगुलर मिलते हैं और एक ब्रश फिल करने के लिए मिलते हैं दोनों, ताकि आप जब भी साइड का जो कट है आप अच्छे से इससे आप शेप दे सकती हैं। बहुत ही अच्छी ब्रश इसके साथ मिल जाती है और साथ में इसके साथ 2 जेल आईलाइनर मिलते हैं, जिसमें एक ब्लैक है और इसमें एक ब्राउन है, तो आपको जो अच्छा लगे वो यूज कर सकती हैं। बट हम इंडियंस ज्यादा ब्लैक ही यूज करना पसंद करेंगे, बट आजकल का बहुत ज्यादा ट्रेंड है ब्राउन शेड्स बहुत ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा क्लासिक लगता है क्योंकि समर्स में ज्यादा भड़कीला मेकअप अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए हम लोग लाइट शोअर करने का ज्यादा हम लोग प्रेफर करते हैं। तो आप देख लीजिएगा आप कौन सा इसमें शेड्स यूज करना चाहते हैं। फिलहाल मैं आपका फेवरेट ही यूज करूंगी ब्लैक कलर, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का है, आपने देखा इसकी डब्बा जो है बहुत ज्यादा क्यूट है यार, बहुत खूबसूरत है। और प्राइस की मैं बात करूं तो इस प्राइस में 2-2 मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी है। दूसरी चीज बहुत ही ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी है ये प्रोडक्ट दावा कर रहा है, और इसमें प्रोडक्ट काफी दिए हैं, मुझे लगता है ये प्रोडक्ट हम लोग आराम से 2 साल जरूर यूज कर सकते हैं अगर रेगुलर बेसिस पे भी यूज करें तो। बट यूज करने का सही तरीका होना चाहिए, क्योंकि आप प्रोडक्ट को वेस्ट करोगे तो फिर नहीं होगा सही से यूज करना। मैं प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से यूज करती हूँ, ये चीज है मेरे में, ये क्वालिटी मेरे में है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, इसे लगाना कैसे है। ठीक है, स्मोकी आई लुक क्रिएट करने के लिए क्या सब प्रोडक्ट्स लगाएंगे सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आई शेडो पैलेट ले रही हूँ मिस रोज का। ठीक है, एक न्यूड अर्बेनिक का मैं आई शेडो पैलेट ले रही हूँ, क्योंकि मुझे जो शेड चाहिए तो दोनों में एक ही मिल रहा है, इसके वजह से मुझे 2 पैलेट यूज करना पड़ रहा है। अगर आपके पास एक पैलेट में दोनों शेड्स मिल जाते हैं स्मोकी आई लुक क्रिएट करने के लिए, डेफिनेटली आपको एक आई शेडो पैलेट लगेगा। ठीक है, दूसरा चीज है यहाँ पे आईलाइनर यूज कर रही हूँ जो म्यूजिक फ्लावर का है। अब जैसे कि मैं बता चुकी हूँ इस वीडियो में रिव्यू के साथ साथ एक स्मोकी आई लुक क्रिएट भी होगा, वो ऑलरेडी प्रेस दिया है, तो मैं ये यूज करने वाली हूँ ताकि मुझे ईजी हो जाएगा स्मोकी आई लुक क्रिएट करने में। ठीक है, नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ यहाँ पे ब्रशेस लगेंगे, तो मैं यहाँ पे 3 ब्रश ली, एक एंगुलर ब्रश ली हूँ और एक ब्लेंडिंग करने के लिए ली हूँ, एक फ्लैट ब्रश ली हूँ, ताकि मैं ग्लिटरी थोड़ा सा मैं यूज करने वाली हूँ तो मुझे फ्लैट ब्रश की नीड है। नेक्स्ट, जब हम लोग मस्कारा लगाते हैं तो बहुत ज्यादा हेवी लग जाता है जिसकी वजह से वो अच्छा नहीं लगता है, तो उससे अच्छे से डिफाइन करने के लिए मैं यहाँ पे एक ब्रश ली हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मस्कारा, दैट्स इट, यही सब सामान लगेंगे इस मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं स्मोकी आई लुक क्रिएट करना। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पे टीज कलर ले रही हूँ, जो अपनी भाषा में हम लोग ब्राउन शेड कह सकते हैं, तो मैं एक ब्रश की हेल्प से मैं यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स लूंगी, उसके बाद थोड़ा सा आप इसे झाड़ दें, एक्सेस जो प्रोडक्ट है देन आप अपने आईज पे लगाए। ठीक है, और मैं यहाँ पे मैट ली हूँ क्योंकि मुझे सिमरी नहीं चाहिए था, तो सबसे पहले आप मैट वाला आई शैडो पैड यूज करें, तो मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से यूज करूंगी। तब तक मैं ब्लेंड करूंगी जब तक कि मुझे मनचाहा कलर ना मिल जाए। ओके,
नेक्स्ट मैं यहाँ पे सीक्रेट कलर ले रही हूँ, थोड़ा सा और मुझे डार्कर चाहिए, ये थोड़ा रेडिस पे दिख रहा है तो मुझे थोड़ा सा और ब्राउन सेट करने के लिए मुझे ये कलर पिक करना हो रहा है सीक्रेट। तो कुछ इस तरीके से आपको लगाते जाना है, मैं रोज का पैलेट यूज कर रही हूँ जो मैं आपसे ब्लैक से पिक करूंगी, जो एक्सेस प्रोडक्ट है आप इसे झाड़ दी ठीक है। ब्लैक कलर जो ये सेट मैं पिक करूंगी एक फ्लैट ब्रश के हेल्प से ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैं प्रोडक्ट लूंगी, इनर कॉर्नर जो है वहां पे मैं या इस एरिया पे लगाऊंगी और हाईलाइट भी करूंगी इस एरिया। आउटर कॉर्नर की आईज पे लगाऊंगी, आई शैडो को मैं थोड़ा सा और सॉफ्ट करूंगी, उसके लिए मैं एक और ब्रश लूंगी और उसके आई शैडो को थोड़ा सा और सॉफ्ट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ अगेन ट्रीज कलर ठीक है, ताकि मुझे बहुत ज्यादा भड़कीला, मुझे आई शैडो नहीं चाहिए। अगर आपको आई शैडो अगर बहुत ही ज्यादा पॉपिंग चाहिए जिस तरीके से मैं अभी की हूँ तो आप इतना पे भी रख के छोड़ सकते हो, बट मैं इसे सॉफ्ट करने वाली हूँ क्योंकि मेरा लिपस्टिक जो है बहुत ही ज्यादा पॉप आउट हो रहा है। तो अगर आपकी आई शैडो और लिपस्टिक दोनों ही बहुत ज्यादा पॉप आउट हो तो फिर आपकी मेकअप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, इसलिए मैं थोड़ा सा इसी अपने आई शैडो को थोड़ा सा मैं सॉफ्ट करूंगी। अब मैं यूज कर रही हूँ जेल आईलाइनर, वो इसमें सबसे पहले हम लोग डिप करेंगे एक एंगुलर ब्रश ठीक है, और इसका जो भी एक्सेस प्रोडक्ट होगा उसे हम लोग निकाल देंगे ठीक है, कुछ ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ ओके आप समझ पा रहे हो। सबसे पहले मैं यहाँ पे विंग क्रिएट करूंगी लाइक दिस ओके, उसके बाद आप इसे मिलाते जाए ओके, फिर आप यहां से मिलाएं इनर कॉर्नर की तरफ से ओके। के बाद एक पॉइंटेड ब्रश के हेल्प से आप इसे मिला लें ठीक है, एक्सेस प्रोडक्ट को निकाल देना है ठीक है, देन आप इसे हम इस पॉइंट को मिला देंगे बिगिनर्स हो तो आपको टाइम लगेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा टाइम देना आपके ही बहुत ही परफेक्ट विंग बनेंगे इस तरीके से अगर आप करोगे तो। देन मैं एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं ब्लैक कलर पिक कर रही हूँ अपनी लोअर डेस्क पे लगाने के लिए ठीक है, क्योंकि ये स्मोकी आई लुक है तो ये इम्पोर्टेंट है। सीक्रेट कलर यूज कर रही हूँ एक फ्लैट ब्रश के हेल्प से, देन मैं स्टिक वर्की का काजल लगा रही हूँ, परफेक्ट। अब यहाँ मैं लोरिया पैडीज का मैं मस्कारा लगा रही हूँ ठीक है, ये मस्कारा बहुत ही ज्यादा अच्छा है और ये बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है और आपकी आई लैसेस की लेंथ को भी बढ़ा देता है, इस मस्कारा को ना जरूर ट्राई करो, इतनी अमेजिंग रिजल्ट्स है ना मैं बता नहीं सकती, आप देख सकते हो फेक आई लैसेस के भी आपको नीड नहीं है, डिफरेंस आपकी आंखों के सामने देख रहे हो ना। मस्कारा लगाती हो तो आई नो आप लोग प्रोडक्ट को जो ही अब जो भी एक्सेस होता है उसे आप हटा देते हो, लेकिन फिर भी जब आप मस्कारा लगाते हो फिर भी आपके आई लैसेस में एक्सेस लग जाते हैं, तो उसे रिमूव करने के लिए नेचुरल दिखाने के लिए मैं एक और ब्रश यूज कर रही हूँ लाइक दिस, आप देख सकते हो मेरे ब्रश में कितना ज्यादा लग गया। और मैं आई लैसेस को कर्ली करने के लिए मैं यहाँ पे आई लैस कर्लर टूल यूज कर रही हूँ लाइक दिस, इससे आपके आई लैस बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है यार, दो से तीन बार करना ओके, देन मैं ऐसे इसे भी कर लूंगी, आप देख सकते हो मेरी आई लैसेस कितनी ज्यादा वॉल्यूमाइज लग रही है और रिजल्ट आपके सामने है।
तो ये वाला मस्कारा जरूर ट्राई करना। चलिए इसे वाटर टेस्ट करते हैं, क्या ये प्रोडक्ट स्मॉल्स प्रूफ या वाटर प्रूफ है या नहीं। मैं यहाँ पे लाइव अपना फेस पे पानी डाल रही हूँ और 3 से 4 बार मैं पानी डाली, उसके बाद मैं ये स्मर्ज कर रही हूँ, ये बिल्कुल भी स्मर्ज नहीं हो रहा। फिर से मैं 10 मिनट्स के बाद फिर से मैं वाटर टेस्ट की, उसके बाद मैं स्मर्ज कर रही हूँ, ये बिल्कुल भी स्मर्ज नहीं हो रहा है। तो आपने देखा बिल्कुल भी हाथ में नहीं लग रहा है। हाँ, ये स्मर्ज प्रूफ भी है और वाटर प्रूफ भी है, तो आप डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकती हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में एक बेल आइकन का भी ऑप्शन आएगा, उसे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा मेरे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इस प्रोडक्ट की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी और इस पे बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है, तो प्लीज जल्दी से आप इस प्रोडक्ट को ग्रैब कर लीजिए, आपको बहुत अच्छी डील मिल जाए। और आई होप मेरी वीडियो यह अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली फ्रेंड या किसी भी सोशल मीडिया पर जरूर शेयर कर दीजिएगा इस तरह की और भी न्यू वीडियोज देखने के लिए, क्योंकि मेरे चैनल पे बहुत सारे गर्ल और बॉय है, दोनों के लिए मैं वीडियोज अपलोड करती हूँ, वो फैशन से हो, ह्यूमन हेल्थ एंड हाइजीन से हो, या तो फिर स्किन केयर से हो, हेयर केयर से हो, हर एक टॉपिक पे आप लोगों के डिमांड पे मैं वीडियो लेके आती हूँ। अगर आपकी भी कोई डिमांडेड कोई वीडियो है तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और मुझसे अगर बात करना चाहते हैं पर्सनली तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रखी हूँ, अपने फेसबुक का और इंस्टा का भी मैं लिंक दे रही हूँ, आप वहाँ पे उस लिंक पे क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे SMS भी कर सकते हैं, मैं वहाँ पे पर्सनली सबको रिप्लाई देती हूँ। और तो मैं आपसे मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।